हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। अपना आज वाला टेस्ट डिस्कस कर लें। आज का हमारा टेस्ट था SKSSC 1 TETRA NKN। टेस्ट का लेवल आज का अच्छा था। पैसेज जो आज के टेस्ट में था बहुत अच्छा था। देखो, रोज की तरह टेस्ट जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर टेस्ट का लिंक अवेलेबल है। जिस किसी ने टेस्ट अटेम्प्ट ना किया हो, वहाँ से पहले टेस्ट को डाउनलोड करके आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड देन यू कैन वॉच दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन था कि राम कट ए सैड फिगर इन हर फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। राम कट ए सैड फिगर इन हर फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। वैसे तो देखो, यहाँ पे राम है और हर है, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, है ना। लेकिन देखो, सामने वाले ने हर दिया है तो हम तो हर मान के चलेंगे। माइट बी राम इज नेम ऑफ एनी गर्ल, ठीक है। अब हमें तो जो चेंज करना है वो चेंज करना है कट ए सैड फिगर में, अगर हमें कोई चेंज लग रहा है तो। ये देखो, एक फ्रेज होता है कट ए सॉरी फिगर या कट ए फाइन फिगर। कट ए सॉरी फिगर का मतलब होता है टू बी एशेम्ड, ठीक है, शर्मिंदा होना। और कट ए फाइन फिगर का मीनिंग होता है टू बी एडमायर्ड, प्रशंसा होना, ठीक है। तो राम कट ए सैड फिगर कभी नहीं होता, कट ए सॉरी फिगर होता है। जो सी ऑप्शन है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। तो ये तो देखो, ये तो सिंपल फ्रेज का क्वेश्चन था, फ्रेज का यूसेज था। मतलब इसमें आप कोई ग्रामर नहीं लगा सकते, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनमें अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आपको इस टाइप के फ्रेजेस का पता होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑल हर आंसर्स वर करेक्ट। ऑल हर आंसर्स वर करेक्ट। अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि सी ऑप्शन जो दे रखा है, ऑल ऑफ हर आंसर्स, या बी ऑप्शन, हर ऑल आंसर्स। अब इनमें से कौन सा ठीक है, या जो दिया हुआ वही ठीक है। तो देखो, जब भी कंफ्यूजन हो ना तो इन चीज़ों को अलग से कहीं यूज करके देखो। जैसे ऑल हर आंसर्स दिया है, मैं सिंपल बोलता हूँ माई आंसर्स आर करेक्ट, या माई ऑल माई आंसर्स आर करेक्ट, या माई ऑल आंसर्स आर करेक्ट। देखो, यहाँ पे जो यूसेज का जो रूल है वो ये होता है कि ऑल भी एक एडजेक्टिव है और हर भी एक एडजेक्टिव है, हर पजेसिव एडजेक्टिव है। ये जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है ना, पजेसिव एडजेक्टिव जो है अपने नाउन से हमेशा जस्ट पहले आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव कहीं और नहीं आ सकता। ऑल हर आंसर्स जो है इसको ऐसे आप कभी नहीं लिख सकते, हर ऑल आंसर्स, हमेशा ये यही रहेगा, ऑल हर आंसर्स। इन द सेम वे, जैसे मैं बोलूं ऑल माई फ्रेंड्स, तो इट विल बी ऑल माई फ्रेंड्स, इट कैन नेवर बी माई ऑल फ्रेंड्स। अगर आप कभी बोलते हो कि माई ऑल फ्रेंड्स तो हम गलत बोलते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा अपने नाउन से जस्ट पहले आएगा, ठीक है। तो ऑल और ऐसे ही बोथ भी यूज होता है, तो ऑल और बोथ जो है ना ये हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव से पहले आएंगे। जैसे मैं कहूँ बोथ माई फ्रेंड्स, तो माई बोथ फ्रेंड्स नहीं होगा, बोथ माई फ्रेंड्स होगा, ठीक है। तो अब देखो, जो सी ऑप्शन था ना, ऑल ऑफ हर आंसर्स, वो भी करेक्ट था, लेकिन जब ऊपर करेक्ट दिया हो, ऑल हर आंसर्स इज करेक्ट, तो हम सेंटेंस में इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, हमारा जो आंसर बनेगा दैट विल बिकम नो इंप्रूवमेंट। सी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन जब सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है तो हमें कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई आर आंसर बिकम्स बी। और ए की कोई सेंस नहीं थी यहाँ पे, मतलब एक तक कोई सीन नहीं था। हर एवरी आंसर्स, एवरी के बाद वैसे भी सिंगुलर नाउन आता है, तो जो बी ऑप्शन है वो गलत था, सी वॉज करेक्ट, बट हमारा आंसर विल बी डी। नेक्स्ट देखो, ए मैन ऑफ द वर्ल्ड। ए मैन ऑफ द वर्ल्ड ईडियम है, मीनिंग बताना है। ए मैन ऑफ द वर्ल्ड का मीनिंग होता है अ पर्सन हु हैज़ अचीव्ड मैनी थिंग्स इन मैनी फील्ड्स, हु इज़ एक्सपीरियंस्ड इन मैनी फील्ड्स। जो बी ऑप्शन जो था, हाईली एक्सपीरियंस्ड इन मैनी फील्ड्स, वही इस क्वेश्चन का आंसर था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में स्पेलिंग करेक्ट या मिस स्पेल्ड।
मतलब दोनों हो सकती हैं, हो सकता है तीन सही हों एक गलत हो, और हो सकता है एक सही हो बाकी तीन गलत हों। फर्स्ट वर्ड है फिरोशियस। फिरोशियस जो वर्ड है इसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। फिरोशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भयानक, फिरोशियस टाइगर, फिरोशियस हो जाता है, फ्राइटनिंग एंड वॉयलेंट। ठीक है। फॉल्सीफाइड जो वर्ड है, ये तो वर्ड में ही देखो समझ में आ रहा होगा, फॉल्स फिर फाई, फॉल्स माने झूठा है और एफ वाई माने करना। तो फॉल्सीफाई जो होता है इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को चेंज करना, जनरली किसी डॉक्यूमेंट को, किसी भी चीज़ को, किसी दूसरे को धोखा देने के लिए, टू डिसीव अदर्स। ठीक है, दैट इज़ फॉल्सीफाइड, मतलब झूठी कहानी बनाना, दैट इज़ फॉल्सीफाइड। फैसिलिटेट वर्ड की स्पेलिंग भी करेक्ट है। फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी को फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है। फाइनलाइज्ड जो डी ऑप्शन है उसकी स्पेलिंग गलत है। इसमें फाइनल आइज्ड होना चाहिए, ISED, ना कि ICED। यही स्पेलिंग की प्रॉब्लम थी। अगला फिलर है, बिफोर द डैश ऑफ द यूरोपियंस इन इंडियन, इंडिया वॉज अ फ्री कंट्री। बिफोर द डैश ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, इंडिया वॉज अ फ्री कंट्री। ठीक है, देखते हैं। बिफोर द एंट्री ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, भाई इंडिया के अंदर उनकी एंट्री से पहले इंडिया वॉज अ फ्री कंट्री। ठीक है यार, ये भी मेरे को तो सही लग रहा है, छोड़ देते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं पहले। बिफोर द एमलगमेशन, एमलगमेशन का तो मतलब होता है मर्जर, मिक्सअप। तो यूरोपियंस का मिक्सचर होने, ना मिक्सचर वाली कोई सेंस नहीं आती, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया। एमिग्रेशन ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, इंडिया के अंदर एमिग्रेशन थोड़ी होगा, इंडिया के अंदर तो यूरोपियंस का इमिग्रेशन होगा। एमिग्रेशन होता है कंट्री से आउट जाना, ई लगा है, ई माने आउट, माइग्रेट। ठीक है, माइग्रेट होता है जाना, ट्रांसफर। माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेते हैं हम जब यूनिवर्सिटी से, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। तो एमिग्रेशन वर्ड तो वैसे भी नहीं आ सकता। डी ऑप्शन इज एडवेंट। एडवेंट जो वर्ड है इसका मतलब होता है कोई कोई चीज का हैपन होना, किसी बड़ी इवेंट का, किसी स्पेशल इवेंट का हैपन होना, या किसी चीज की, किसी चीज का अराइवल, और अराइवल भी किस चीज का, कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, कोई फेमस, मतलब लाइक थोड़ा सा एमिनेंट चीज हो, उसके लिए यूज किया जाता है। तो देखो ए ऑप्शन भी करेक्ट है इसमें और डी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब ए ऑप्शन को देख के ये मत सोचना जी सर पीछे इन लगा है, एंट्री नहीं आ सकता। एंट्री के बाद इन यूज हो जाता है, एंटर के बाद इन यूज नहीं होता। एंट्री के साथ इन और इन टू यूज हो सकता है, एंट्री में कोई सीन नहीं है ना यूज होने का। एंटर के साथ कभी भी इन या इन टू यूज नहीं होता, वो बिजनेस और पार्टनरशिप, डिस्प्यूट, ये सब टाइप के जो केसेस होते हैं, क्लासेस में हमने कई बार डिस्कस किया है, इनको छोड़ के। ठीक है, तो बिफोर द एंट्री ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया या बिफोर द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। अब देखो यूरोपियंस का अराइवल वॉज एन इम्पोर्टेंट, एन इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ हिस्ट्री, तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट बनेगा दैट विल बी डी। आई एम नॉट सेइंग कि ए इज इनकरेक्ट, बट दोनों में से जब बेस्ट चूज करने की बात आएगी तो आई विल गो विद डी, एंड डी इज द राइट आंसर। अगला देखो, कह रहे वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। कह रहे जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के अच्छाई के लिए, वेलफेयर के लिए काम करता है, ऐसे बंदों को क्या बोलते हो। फर्स्ट ऑप्शन है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट में पीछे लगा IST, आगे लगा अल्टर। अल्टर का मीनिंग होता है दूसरा, IST का मतलब होता है पर्सन। अल्ट्रुइस्ट इज अ पर्सन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। अल्ट्रुइस्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेंट सिंपल संत हो गया। देन वी हैव रेक्ल्यूज। रेक्ल्यूज का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो एकांत में रहता है, एकांतवासी, दैट इज रेक्ल्यूज। एंड एनार्किस्ट, एनार्किस्ट एक वो बंदा होता है जो ना अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह करता है, उसको बोलते हो आप एनार्किस्ट। तो रिबल, रिबल वर्ड का, रिबल जो होता है सिनोनिम हो जाता है इसका। ठीक है, तो हमारा जो आंसर बना वो कौन सा बन गया, ए। अगला देखो, फ्लुएंट स्पीकर ऑफ मैनी लैंग्वेजेस। कह रहे एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है।
वर्ड, फर्स्ट वर्ड है एमिसरी। क्या वर्ड है? एमिसरी। एमिसरी जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है एम्बेसडर, रिप्रेजेंटेटिव, राजदूत, अटैचे। एमिसरी जो वर्ड है इसका मतलब होता है अटैचे, एम्बेसडर। ठीक है। बी ऑप्शन है पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट जो वर्ड है, पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉलीग्लोट का मतलब होता है पर्सन हु कैन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस। तो आंसर जो था हमारा वो सेकंड ही है। अगले ऑप्शन और देख लो। क्यूरेटर है, क्यूरेटर जो होता है ये होता है इंचार्ज ऑफ एनी म्यूजियम। और कैनिबल जो होता है ये वो होता है जो अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को या अपने जैसी चीज़ों को खा जाए। भाई अगर शेर शेर को खा जाए तो शेर भी कैनिबल हो गया, गाय गाय को खा जाए तो गाय भी क्या हो गई? कैनिबल। और बंदा बंदे को खा जाए तो बंदा भी हो गया कैनिबल। ठीक है। तो जो अपनी ही प्रजाति के लोगों को खा जाए, मतलब चीज़ों को, पशुओं को खा जाए, उसको बोलते हैं कैनिबल। ठीक है। पैसेज है, पैसेज अच्छा था, पैसेज पढ़ते हैं। कह रहे एट लो टाइड ही वॉक्ड ओवर द सैंड्स। टाइड होता है लहर। तो कह रहे एट लो टाइड ही वॉक्ड ओवर द सैंड्स टू द हेडलैंड एंड राउंड द कॉर्नर टू द लिटल बे फेसिंग द ओपन सी। कह रहा है जब लो टाइड थी, जब लहरें छोटी थी, तो वो सैंड्स के ऊपर चलने लगा टू द हेडलैंड। हेडलैंड हो जाता है कि हेडलैंड ना समुद्र के पास, मतलब सी के अंदर एक पीस ऑफ लैंड होता है जिसपे थोड़ा सा मतलब आता रहता है, पानी आता रहता है, कभी समुद्र की लहरें आती रहती हैं। हेडलैंड एंड राउंड द कॉर्नर टू द लिटल बे फेसिंग द ओपन सी। और वो चल रहा था हेडलैंड पे एंड ओवर द सैंड्स टू द हेडलैंड एंड राउंड द कॉर्नर टू द लिटल बे फेसिंग द ओपन सी। बे जो होता है ये वो खाड़ी के लिए यूज होता है। इट वॉज इनएक्सेसिबल इनएक्सेसिबल बाय बोट बिकॉज सीम्स ऑफ रॉक जटेड आउट द जटेड आउट एंड करंट्स स्वेल्ड राउंड देम ट्रीचर्सली। कह रहा है इट वॉज इनअसेसिबल। इनअसेसिबल होता है अभी जहाँ पे एक्सेस ना हो, जहाँ पे पहुँचा ना जा सके बाय बोट। क्यों नहीं पहुँचा जा सकता था? बिकॉज सीम्स ऑफ रॉक। सीम्स जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है सीम स्ट्रेस में भी यूज होता है ये सीम्स। सीम स्ट्रेस होती है जो जो टेलर का फेमिनाइन वर्जन जो होता है, ठीक है, दरजानी जिसको आप बोलते हो। तो सीम्स जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है जॉइंट। ठीक है। तो कह रहे कि इट मतलब कह रहे बिकॉज सीम्स ऑफ रॉक जटेड आउट, क्योंकि ना जो सीम्स ऑफ रॉक है, मतलब जो जॉइंट्स ऑफ रॉक थे वो जट आउट हो रहे थे। जट आउट का मतलब होता है मेन बॉडी से ना थोड़ा सा बाहर निकलना, हिंदी में एक वर्ड होता है उभरना, तो वो उभरे हुए थे। एंड करंट्स स्वेल्ड राउंड देम ट्रीचरसली। और जो करंट्स, करंट्स मतलब जो अब ये टाइड्स हो गई, वो स्वेल करती थी। स्वेल का मतलब होता है मैक्सवेल, आइसक्रीम आती है मैक्सवेल। स्वेल का मतलब होता है राउंड अबाउट मूवमेंट, ठीक है, सर्कुलर मूवमेंट। तो ट्रीचरसली, ट्रीचरसली का मतलब होता है इन अ डेंजरस वे। तो कह रहा है वहाँ पे ना बोट से जाना काइंड ऑफ नहीं जा सकते थे बोट से, क्योंकि ना वहाँ पे जॉइंट्स थे जो बाहर निकले हुए थे, उसके जॉइंट्स थे रॉक के, और जो करंट्स थी ना वो उसके चारों ओर मतलब डेंजरस वे में घूमती रहती थी, मूवमेंट करती रहती थी। बट यू कुड वॉक देयर, लेकिन आप चल सकते थे इफ़ यू चूज़ वन ऑफ द लोएस्ट ऐब टाइड्स। ऐब जो वर्ड है, ऐब यूज़ होता है टाइड्स के लिए। ऐब का मतलब होता है टाइड का कम होना, पहले लिखा था ना लो टाइड, अब लिख दिया ऐब टाइड्स। कह रहे हैं आप वहाँ पे चल सकते थे इफ़ यू चूज़ वन ऑफ द लोएस्ट ऐब टाइड्स दैट रिसीडेड ए वेरी लॉन्ग वे। कह रहे हैं जो जो रिसीड हो जाए लंबे, रिसीड का मतलब होता है गो बैक। तो अगर कोई छोटी लहर आए और वो छोटी लहर फिर दूर चली जाए, तो उस टाइम पे आप वहाँ पे क्या कर सकते थे? चल सकते थे। ठीक है। यू कुड नॉट लिंगर ऑन द एक्सपीडिशन। देखो एक्सपीडिशन होती है कोई मतलब एक्साइटिंग जर्नी, एक्सपीडिशन होती है कोई जर्नी जो कोई एम को लेके की जाती है। कह रहे यू कुड नॉट लिंगर। लिंगर का मतलब होता है
किसी प्लेस पे बने रहना, मंडराते रहना, ठीक है? तो आप वहाँ पे उस प्लेस पे बने नहीं रह सकते थे। फोर वंस द टाइड वॉज ऑन द टर्न, फोर का यहाँ पे मतलब यूज़ कर रहा है क्योंकि, कह रहे क्योंकि टाइड वॉज ऑन द टर्न, क्योंकि जब टाइड वापिस आती थी इट केम इन रैपिडली, ये एकदम से वापिस आ जाती थी, ठीक है? फिर क्या कह रहा है, फॉर दिस रीज़न वेरी फ्यू पीपल केयर्ड टू एक्सप्लोर द लिटल बे, और कह रहे इसी कारण से ना बहुत कम लोग ही इस लिटल बे को एक्सप्लोर करने की सोचते थे, इसके आसपास जाने की सोचते थे। एंड द केव एट द बैक ऑफ इट, और सिर्फ बे ही नहीं, उसका जो के थी, केव थी, केव मतलब एक गुफा थी, उसके पीछे उधर भी कोई नहीं जाता था। बट द अननोन ऑलवेज ड्रू दिस मैन लाइक ए मैग्नेट, लेकिन कह रहे पता नहीं क्या चीज़ थी जो इस बंदे को एक चुंबक की तरह वहाँ पे हमेशा खींचती थी। ही फाउंड द बे फ्रेश एंड अनअटर्ड, अनअटर्ड, अटर जो वर्ड है ना, अटर, अटर का मतलब होता है उच्चारण करना, तो उसको ना बे जो थी हमेशा कैसी दिखती थी, फ्रेश दिखती थी और अनअटर्ड दिखती थी। एज इट वॉज कम्प्लीटली कवर्ड बाय द सी एट हाई टाइड, क्योंकि इस को ना जब हाई टाइड आती थी यानी कि ऊंची अगर लहर आ जाती थी तो ये पूरा कवर हो जाता था बाय द हाई टाइड। कह रहा द केव लुक्ड मिस्टीरियसली डार्क, कूल एंड इनवाइटिंग, कह रहे जो केव थी ना वो मिस्टीरियसली क्या दिखती थी, रहस्यमयी, डार्क थी, कूल थी और इनवाइटिंग थी, मतलब वो हमेशा उसको बुलाती सी रहती थी। एंड ही पेनेट्रेटेड टू द फारदेस्ट कॉर्नर वेयर ही डिस्कवर्ड ए वाइड क्रैक, और कह रहा वो अंदर घुस गया बिल्कुल दूर वाले कॉर्नर तक। वेयर ही डिस्कवर्ड ए वाइड क्रैक, जहाँ पे उसे एक वाइड क्रैक दिखाई दिया, रादर लाइक ए चिमनी, एक चिमनी की तरह था जो कि, ही पियर्ड अप, पियर्ड अप का मतलब होता है, पियर, पियर अप का मतलब होता है ऊपर की तरफ देखना और जनरली डिफिकल्टी से देखना, ठीक है? जैसे देखा होगा ना कई बार क्या होता है, मान लो कहीं भीड़ में खड़े हो आप पीछे और आपके आगे दुनिया खड़ी है, लंबे लंबे दो तीन लोग खड़े हैं, तो आप जब उनसे ऊपर होके कुछ देखने की कोशिश करते हो तो उसको बोलते हैं पियर्ड अप। तो ही पियर्ड अप एंड थॉट ही कुड सी ए पैच ऑफ डेलाइट, तो कह रहे हैं कि उसने ऊपर उठने की कोशिश की एंड थॉट, और सोचा ही कुड सी ए पैच ऑफ डेलाइट, और सोचा कि शायद वो डेलाइट का एक पैच देख पाएगा, ठीक है? तो मतलब उसको लगा कि एंड थॉट ही कुड सी कि उसे दिखाई दे रहा है ए पैच ऑफ डेलाइट, ठीक है ना? ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू द राइटर द बे कुड नॉट बी रीच्ड बाय बोट बिकॉज, कह रहे राइटर कह रहे कि बे पे बोट से नहीं पहुंचा जा सकता था, क्यों? क्योंकि इट हैड न्यूमरस लेयर्स ऑफ रॉक, बहुत ज़्यादा रॉक्स थी वहाँ पे, देर वर टू मैनी एडीज, एडी जो वर्ड होता है ना, एडी का मतलब होता है सर्कुलर मूवमेंट, तो बहुत ज़्यादा सर्कुलर मोशंस थी वहाँ पे, मूवमेंट्स थी। देर वर इट वॉज फेसिंग द ओपन सी, ओपन सी को फेस कर रहा था। देर वर सीम्स ऑफ रॉक एंड ट्रीचरसली स्वेलिंग करंट्स, लिखा था ना डी ऑप्शन जो है, ये देखो ये यहाँ पे लिख रहा है, इट वॉज यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, देखो इट वॉज इनएसेसिबल बाय बोट बिकॉज सीम्स ऑफ रॉक जटेड आउट, क्योंकि जॉइंट्स जो हैं वो बाहर निकले हुए थे रॉक्स के, एंड करंट्स कॉर्ट्स स्विल्ड राउंड देम ट्रीचरसली, ठीक है? करंट्स जो थी उसके चारों ओर डेंजरस वे में घूमती थी, तो जो आंसर बनेगा वो हमारा डी ही बनेगा, ठीक है ना? There were seams of rock and treacherously swirling currents. अगला देखो, one could visit the way. कह रहे कोई अगर जाना चाहे तो उस बे पे कब जा सकता था? At any time one chosen, किसी भी टाइम पे जा सकता था one choose. On certain specified occasion, किसी किसी occasion पे. When there was a low tide, कह रहे जब tide जो थी वो low थी, कम थी. ड्यूरिंग द इवनिंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए नहीं, सी ऑप्शन साफ लिखा था उसके अंदर कि भाई जब टाइड कम हो ना तब जा सकता था। अगला देखो, कह रहे इट वॉज नॉट पॉसिबल टू लिंगर ऑन द एक्सपीडिशन बिकॉज, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू लिंगर ऑन द एक्सपीडिशन बिकॉज, कह रहे
वहाँ पे लिंगर करना, लिंगर मतलब वही बने रहना वहाँ पे पॉसिबल नहीं था. क्यों? क्योंकि द वॉटर रोज रैपिडली, पानी बहुत जल्दी से उठता था. द टाइड टर्न्ड एट वंस, टाइड जो है थी एकदम से वापस आ जाती थी. द टाइड टर्न्ड स्प्राइटली, स्प्राइटली जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है क्विकली. तो टाइड जो थी वो क्विकली वापस आ जाती थी. द वॉटर रश्ड इन विद ए ग्रेट फोर्स. देखो, वाटर रोज रैपिडली, वाटर रश्ड इन, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा था. ये लिखा था कि टाइड जो थी ना क्विकली वापस आती थी. तो टाइड टर्न्ड एट वंस या टाइड टर्न्ड स्प्राइटली. टाइड टर्न्ड स्प्राइटली. एट वंस तो मतलब होता है एकदम से, तो एकदम से नहीं, जल्दी से वापस आ जाती थी. स्प्राइटली वाला जो ऑप्शन है सी, वही राइट आंसर बनेगा. अगला देखो, ही फाउंड द बे फ्रेश एंड अनअटर्ड बिकॉज. फ्रेश एंड अनअटर्ड थी बे. क्यों? ऊपर लिखा है क्योंकि एंड अनअटर्ड. देखो, एज इट वॉज कम्प्लीटली कवर्ड बाय द सी एट हाई टाइड. जब हाई टाइड होती थी तो एकदम से सी इसको कवर कर लेता था. देखते हैं, द सी वाटर हैड रिसीडेड. सी वाटर जो है वो वापस चला गया था, रिसीड हो गया था. ही वॉज द फर्स्ट विजिटर देयर, क्योंकि वो पहला विजिटर था. ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पहला विजिटर था, ये लिखा है कि जनरली लोग जाना पसंद नहीं करते थे. फिर कह रहा है द हाई टाइड हैड जस्ट वॉश द लिटर अवे, कि जो हाई टाइड जो थी उसने अभी अभी उसको, लिटर को, गंदगी को बिल्कुल साफ कर दिया था वहाँ से. इट वॉज नॉट फ्रिक्वेंटेड बाई पीपल हु वुड पॉल्यूट इट. देखो, सी ऑप्शन जो है ना थोड़ी सी सेंस दे रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन इस क्वेश्चन के अंदर सेंस नहीं दे रहा. तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. भाई फ्रेश थी. क्यों फ्रेश थी? क्योंकि पानी ने उसको साफ कर दिया था, इसीलिए फ्रेश थी. ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन है, वाइल पासिंग थ्रू द केव द राइटर डिस्कवर्ड ए. कह रहे जब केव से पास कर रहा था तो राइटर को क्या दिखाई दिया था? क्या दिखाई दिया था राइटर को? ये देखो, ही डिस्कवर्ड ए वाइड क्रैक, ये लिख रहा है. ही पेनिट्रेटेड, ये लिख रहा है. ही डिस्कवर्ड ए वाइड क्रैक रादर लाइक ए चिमनी. चिमनी की तरह क्या था? एक वाइड क्रैक था वहां पे. ठीक है, तो देख लो ऑप्शन. बिग क्रैक थ्रू विच लाइट केम इन. चिमनी शेप्ड रॉक, जो सी ऑप्शन है ना, चिमनी शेप्ड रॉक दे दिया. वहाँ रॉक नहीं मिली थी उसको, क्रैक मिला था. तो डी ऑप्शन जो है ना, दैट इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर. बिग क्रैक थ्रू विच लाइट केम इन. सो डी इज द राइट आंसर. ठीक है, पैसेज थोड़ा सा वो कैप थी, थोड़ा सा चीज़ें अच्छी थी बस, और इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं कहूँगा मैं. ठीक है, थोड़ा सा लेवल अच्छा था. ठीक है, अगला देखो, सिनोनिम बताना है वैंक्विश वर्ड का. वैंक्विश जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है किसी एनिमी को, किसी ओपोनेंट को वार में हरा देना, टू डिफीट. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है लिबरेट. लिबरेट का तो मतलब लिबर्टी वर्ड होता है, जैसे लिबरेट का मतलब होता है फ्री करना. इमेंसिपेट जो है वो लिबरेट का सिनोनिम है. ये भी होता है टू फ्री फ्रॉम सोशल बाउंडेशन. अनफेटर जो वर्ड है ये भी होता है, फेटर्स होती हैं बेड़ियाँ, जंजीरें, और अनफेटर हो गया फ्री कर देना, लिबरेट कर देना. सब्जुगेट इज द सिनोनिम ऑफ वैंक्विश. सब्जुगेट का मतलब ही होता है लोगों को अपने कंट्रोल में ले लेना, अपने अंडर कर लेना, किसी को हरा देना, कुछ ऐसा. तो सब्जुगेट इज द राइट आंसर. एरर निकालने हैं. द स्टीप राइज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैव अफेक्टेड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपिंग नेशंस. द स्टीप राइज इन द प्राइज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैव अफेक्टेड. देखो, सब्जेक्ट जो है ना सेंटेंस का वो है द स्टीप राइज. प्राइज नहीं है. प्राइज क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइज से पहले इन आया है, प्रीपोजिशन के बाद कभी सब्जेक्ट नहीं आता. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी नहीं है क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से पहले भी ऑफ आया है. तो स्टीप राइज जो है वो सिंगुलर वर्ब लेगा अपने साथ में. हैव अफेक्टेड की जगह हैज़ अफेक्टेड होना चाहिए. तो जो एरर है वो सेकेंड पार्ट में है. अगला देखो, मच वाटर हैज़ फ्लोन अंडर द ब्रिज सिंस देन. ठीक है, कह रहा है मच वाटर हैज़ फ्लोन, मच वाटर हैज़ फ्लोन अंडर द ब्रिज सिंस देन. तो बहुत ज़्यादा पानी जो है ना वो फ्लो हुआ है. अच्छा, पानी फ्लोन होता है क्या? फ्लो, फ्लोड, फ्लोड होती है. फ्लो की जो वर्ब्स होती हैं, जो फॉर्म्स होती हैं, वो होती हैं फ्लो, फ्लोड, फ्लोड. ठीक है, और फ्लाई की होती है फ्लाई, फ्लू, फ्लोन. तो पानी उड़ता नहीं है, पानी बहता है. तो सेकंड ऑप्शन में फ्लोन की जगह हमें फ्लोड चाहिए. यही इसके अंदर एरर है. ठीक
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हमें एंटोनिम बताना है नेटल वर्ड का। नेटल जो वर्ड है ना, नेटल का मतलब होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा एनोय करना, गुस्सा दिलाना, ठीक है, टू मेक समबडी एनोयड, टू मेक समबडी एंग्री, ठीक है। और नेटल का एंटोनिम बनाना है, एंटोनिम क्या होना चाहिए, किसी को खुश करना। फर्स्ट ऑप्शन है एनोए, सिनोनिम है इरिटेट। सी ऑप्शन जो है वो भी कहीं ना कहीं सिनोनिम है। पेस्टर भी जो वर्ड है वो भी इस वर्ड का सिनोनिम है, ठीक है। तो हमें एंटोनिम चाहिए था। एंटोनिम जो बनता है वो बनता है डिलाइट, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन में ईडियम दिया है, उसका मीनिंग, राइट मीनिंग बताना है। कह रहा है ए लीप इन द डार्क। देखो लीप इन द डार्क, लीप का मतलब वैसे क्या होता है, कदम, ठीक है, और अंधेरे में कदम बढ़ाना, अंधेरे में तीर मारना। अंधेरे में तीर मारने का मतलब क्या होता है कि भाई एक रिस्की अटेम्प्ट करना, पता नहीं उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो ए लीप इन द डार्क का मतलब ये होता है ए डेयरिंग स्टेप हुज कॉन्सिक्वेंसेस आर अनप्रिडिक्टेबल, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस का आपको पता ना हो, ठीक है। जो ए ऑप्शन है, ए रेंडम गैस और अ रिस्की अटेम्प्ट, यही इस क्वेश्चन का आंसर था। अगला है ए फ्लैश इन द पैन। कह रहा है पैन के अंदर एकदम से एक फ्लैश आई, जैसे फ्लैश आती है ना, वैसे कैमरे की फ्लैश आती है, एकदम से आती है और एकदम से ख़त्म हो जाती है। ए फ्लैश इन द पैन का भी मतलब यही होता है। बी ऑप्शन जो है सडन बट ब्रीफ सक्सेस, टेम्परेरी सक्सेस होती है, थोड़ी देर एकदम से कोई चीज़ ऊपर उठती है और फिर वो एकदम से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसको बोलते हैं ए फ्लैश इन द पैन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे हिज ट्राउजर्स आर 3 साइजेस लार्ज। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को ना हमने एसएससी के किसी प्रीवियस टेस्ट से क्वेश्चन उठाया हुआ है ये। अब एसएससी ने इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया है वो दिया है 3 साइजेस 2 लार्ज, ठीक है। लेकिन अगर ग्रामेटिकली देखा जाए ना, तो हिज ट्राउजर्स आर 3 साइजेस लार्ज, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। ग्रामेटिकली इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए नो इम्प्रूवमेंट। क्यों होना चाहिए, देखो लार्ज जो है ये एक एडजेक्टिव है, साइज नाउन है, 3 फिर एडजेक्टिव है, और 3 साइजेस जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे 3 बॉयज होता है वैसे 3 साइजेस होता है। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है, हिज ट्राउजर्स आर 3 साइजेस लार्ज। फॉर एग्जाम्पल कि किसी बंदे को 30 वेस्ट की पेंट आती है, अब उसको 32 की पहना दो तो उसने कितने साइज लार्ज पहन ली, 1 साइज लार्ज। उसको 34 पहना दो तो उसने कितने साइज लार्ज पहन ली, 2 साइजेस लार्ज। और अगर 36 पहना दी तो खुद कितना साइज लार्ज पहना दिया उसको, 3 साइजेस लार्ज, ठीक है ना। 3 साइजेस लार्ज का मतलब वही हो गया। अब शर्ट का साइज लो, ML XL XXL आता है, मैं मतलब मान लो किसी को M आता है और उसको XXL पहना दिया जाए, तो यू कैन से कि हिज शर्ट इज 3 साइजेस लार्ज। तो सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट SSC ने 3 साइजेस 2 लार्ज क्यों दिया है मैं आपको ये भी बताऊंगा। देखो SSC जनरली क्या करता है, SSC के साथ ना थोड़ी सी यही प्रॉब्लम है कि ये लोग ना क्वेश्चंस बनाते हैं, क्लोज टेस्ट भी बनाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ना चेंज कर नहीं पा रहे। ये क्या करते हैं, कहीं से कोई क्वेश्चन उठाया और एक वर्ड बिना बात के डिलीट कर दिया। एक पोयम है जिसके अंदर ये ऐसा लिखा हुआ है, हिज ट्राउजर्स आर 3 साइजेस 2 लार्ज एज इट इज़ लिखा हुआ है, तो इन्होंने वहां से ये क्वेश्चन उठाया और 2 हटा दिया। और वहां पे फिगरेटिव सेंस में 2 लार्ज यूज हो रहा है कि मतलब 3 साइजेस हैं तो बहुत ज्यादा लार्ज हो गया, बहुत बढ़िया है, ठीक है, और 2 हटा दिया। अब भाई सेंटेंस को अगर देखा जाए तो 3 साइजेस लार्ज इज एब्सोल्युटली करेक्ट, देन व्हाई शुड वी गो 3 साइजेस 2 लार्ज, आर आंसर शुड बी नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और तो और फिर मैं आपको बताऊं, SSC तो ऐसा करता ही करता है, वेरियस वेबसाइट्स, वेरियस बुक्स वो भी क्या करती रही हैं जनरली, बस ठीक है जो SSC ने आंसर दे दिया एज इट इज़ आंसर को चिपका दिया, उनको भी मतलब नहीं है कि आंसर करेक्ट क्या होना चाहिए, ठीक है। बट आंसर, द करेक्ट आंसर शुड बी 3 साइजेस लार्ज, नो इम्प्रूवमेंट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखो, अगले वर्ड में सिनोनिम है, कॉम्प्लेसेंट वर्ड का सिनोनिम बताना है अपने को। कॉम्प्लेसेंट जो वर्ड है, कॉम्प्लेसेंट का मीनिंग होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, ठीक है, मतलब
जो खुद से ही सेटिस्फाइड है, दूसरों की उससे दूसरों की उसको परवाह नहीं होती, अनकंसर्न्ड होता है। ठीक है, हमें इसका सिनोनिम बताना है। वर्ड है पैशनेट। पैशनेट तो थोड़ा सा हैविंग पैशन वाला हो जाता है, तो ये तो सिनोनिम हो नहीं सकता। इंटरेस्टेड तो एंटोनिम हो गया कॉम्प्लेसेंट का। कैलस जो वर्ड होता है, कैलस का मतलब होता है क्रूल या फिर विदाउट सिंपथी, अनकाइंड, अनकंसर्न्ड। कैलस जो वर्ड है ये इसका सिनोनिम है। और आर्डेंट जो वर्ड है डी, ये तो पैशनेट का सिनोनिम हो जाता है। ठीक है, शोइंग स्ट्रोंग फीलिंग आर्डेंट होता है, आर्डेंट फॉलोअर्स होते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखो, कह रहे दुर्योधना वॉज द दुर्योधना वॉज द मतलब दुर्योधन वॉज द मेन डैश ऑफ द पांडवास। दुर्योधन जो था वो मेन डैश था पांडवास का। क्या था? एनमिटी। एनमिटी वर्ड नहीं चाहिए हमें, वर्ड चाहिए एनिमी। ही वॉज द मेन एनिमी ऑफ द पांडवास, ना कि एनमिटीज। एनमिटीज का तो मतलब हो जाता है दुश्मनी, तो वो उनके उनकी मेन दुश्मनी नहीं थी, उनका मेन दुश्मन था। एडवर्सरी जो वर्ड है सेकेंड ऑप्शन, इसका मतलब ही होता है राइवल, एनिमी, ओपोनेंट। तो एडवर्सरी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी फिर भी अगले दो ऑप्शन और देखते हैं। देखो, जो एफ्रेंटरी वर्ड है इसका मतलब होता है रूडनेस। एफ्रेंटरी का मतलब हो जाता है शेमलेसली बोल्डनेस, शेमलेस बोल्डनेस। ठीक है, और एडवर्सिटी जो वर्ड है ये तो डिफ़िकल्टी वाली सेंस हो जाती है, कोई पूरा टाइम हो जाता है, तो एडवर्सिटी भी नहीं आ सकता। बी ऑप्शन एडवर्सरी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है गांधी? नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी डैश द कॉज ऑफ द अनटचेबल्स। गांधी डैश द कॉज ऑफ द अनटचेबल्स। अनटचेबल्स हो गए अछूत। ठीक है, तो गांधी ने उनके कोज को डैश किया। क्या किया? ब्लेस। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद, तो उनके कोज को आशीर्वाद दिया, हेल्ड किया। एडवोकेटेड। एडवोकेटेड जो वर्ड है इसका मतलब होता है सपोर्ट करना, तो जिस कोज को वो लेके चल रहे थे उन कोज को इन्होंने क्या किया? सपोर्ट किया। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर कह रहा है यू शुड नो दैट द अल्टीमेट डिसीजन, एरर निकालना है हमें इस सेंटेंस में। यू शुड नो दैट द अल्टीमेट डिसीजन इन द मैटर रेस्ट अपॉन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखो, रेस्ट अपॉन तो होता है डिपेंड होना, और रेस्ट विद होता है टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। कह रहे यू शुड नो, तुम्हें पता होना चाहिए, दैट द अल्टीमेट डिसीजन इन द मैटर, जो कह रहा है अल्टीमेट डिसीजन है इस मैटर का, इट इज रेस्ट विद होना चाहिए, विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। रेस्ट विद का मतलब होता है बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्टीमेट डिसीजन। तो सी ऑप्शन में रेस्ट अपॉन की जगह रेस्ट विद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमें इसका, अच्छा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हमें बताना है। कह रहे लवर ऑफ विमेन, जो विमेन को लव करता है। फर्स्ट वर्ड है फिलोगाइनिस्ट। फिलोगाइनिस्ट जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है लवर ऑफ विमेन। फिल जो वर्ड है ना, फिल, फिलो का मतलब होता है लव। गायना, गायनाकोलॉजिस्ट वर्ड सुना होगा, गायना का मतलब हो जाता है फीमेल, तो फिलोगाइनिस्ट हो जाता है अ पर्सन हु लव्स फीमेल। ठीक है, तो फिलोगाइनिस्ट इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन, अगला जो ऑप्शन है फिलोगेमिस्ट। फिलोगेमिस्ट हो जाता है लवर ऑफ मैरिज। गैमी का मतलब हो जाता है मैरिज। फिलोम्यूज होता है लवर ऑफ पोइट्री। एंड मिसोगाइनिस्ट होता है वन हु हेट्स वीमेन, हेटर ऑफ वीमेन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमें एंटोनिम बनाना है ऑफस्केट का। ऑफस्केट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग कन्फ्यूजिंग, टू मेक समथिंग हार्डर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मेक ऑब्सिक्योर, कन्फ्यूजिंग कर देना किसी चीज को। एडम्बरेट। एडम्बरेट जो वर्ड होता है इसका तो मतलब होता है किसी की ना आउटलाइन सी बता देना, अभी थोड़ा था प्रोग्राम है कोई, मान लो थोड़ा सा मैंने उसके बारे में आपको बता दिया, तो एडम्बरेट किया मैंने। बी क्लाउड। बी क्लाउड जो वर्ड है ना वो ऑब्फस्केट का सिनोनिम है।
सिनोनिम वर्ड है, बी क्लाउड का मतलब भी होता है किसी चीज़ को अनक्लियर कर देना। क्लाउड वर्ड आ गया ना, तो किसी के बी क्लाउड, क्लाउड होना धुंधला कर देना, ठीक है। तो ऑफस्केट, ऑफस्केट में आ रहा था फंसा दिया किसी को क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो ऑफस्केट। रिवील जो वर्ड है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सामने लेके आना, ठीक है, और कंसील होता है किसी चीज़ को छुपाना। तो अगर ऑप्शंस के थ्रू जाएं तो रिवील इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हमें एंटोनिम बताना है। ऑब्फस्केट होता है किसी चीज़ को अनक्लियर कर देना, छुपा देना, और रिवील होता है किसी चीज़ को सामने ले आना। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा रिवील। ओवरऑल टेस्ट का लेवल ठीक था, मतलब मुश्किल नहीं कहूँगा लेकिन ईजी भी नहीं कहूँगा, टेस्ट वॉज मॉडरेट, ठीक है। तो 35 प्लस स्कोर इज़ अ गुड स्कोर इन दिस टेस्ट, और अगर आपका स्कोर 35 प्लस नहीं है तो यू नीड टू वर्क हार्डर, ठीक है, बहुत ज़्यादा अभी और ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत है। लगे रहो, कोशिश करते रहोगे तो हम कर लेंगे। इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है जी। चलो फिर, थैंक यू फ्रेंड्स।